हरियाणा में नगर निकाय चुनावों में आज का दिन महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि आज जनता ने अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए मतदान किया। लेकिन पानीपत के समालखा नगर पालिका में कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की होगी। दरअसल हुआ ये कि कुछ वक्त पहले ही आम आदमी पार्टी में शामिल हुए भरत सिंह छोकर ने वोटिंग प्रोसेस के दौरान ये कह दिया कि पार्टी के कार्यकर्ताओं का ही उन्हें समर्थन हासिल नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने निर्दलीय चेयरमैन पद के प्रत्याशी संजय बेनीवाल को ही अपना समर्थन दे दिया। भरत सिंह छोकर की इस हरकत के बाद हरियाणा आप में मानो खलबली मच गई और पार्टी ने तुरंत भरत सिंह को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। देखो, हमारा कैंडिडेट क्यों बाध्या है इसका कुछ कह नहीं सकते। हमने तो लोगों के हिसाब से ही उसको चुना था। लोगों ने नहीं बताया था, भाई ईमानदार प्रत्याशी है और काम करने वाला है, परंतु बीच में छोड़ कर भाज्या, किस वजह से भाज्या, किसके दबाव में भाज्या, ये हम कुछ नहीं कह सकते। पार्टी से निकाला है, क्या क्या आरोप लगा है? हाँ, पार्टी ने निष्कासित कर दिया। क्यों किया, क्या क्या आरोप है? वो तो आप देख ही रहे हो, जब उसने अपने मुंह से कहने लग रहा लोगों को, भाई मेरी वोट ना दे के किसी तीसरे आदमी को वोट दे, ये पार्टी के असूलों के खिलाफ है। हमने मेहनत कितनी करी है आप भी देख रहे हो, हम उस दिन के आज भी हम अपने बस्ते के ऊपर बैठे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं और लोगों का स्वागत भी करते हैं और उनका धन्यवाद भी करते हैं जिन्होंने आम आदमी को एक अच्छी पार्टी समझा है और एक पौधा लगाया है। ये पौधा 2024 तक खड़ा होगा, इतनी जबरदस्त लड़ाई लड़ेगा और आगे आने वाली सरकार आम आदमी पार्टी की। भरत सिंह का आरोप है कि आपके कहीं भी नहीं कार्यकर्ता पाए, हमने टेंट लगा दिए थे, कोई बैठने वाला नहीं पाया वहाँ पे, कोई से पूरे 17 वार्डों में कोई MC नहीं, कोई कुछ नहीं था। भाई तू तो भी घूमया होगा, ये बैठे हैं ना, इब तक भी बैठे हैं टेंट पे, तो हम तो सवेरे आ लिए थे, शाम ना देर तक आया था। उसने ये कह के कहा था, भाई तू 10-10 आदमी तू बिठा लिए, मारे वाले जो लेट जाते हैं वो 8 बजे तक आएंगे, परंतु कुछ पानीपत से सराहने की टीम सवेरे आ ली थी, 6 बजे तक पहले आ लिए थे और सबने ड्यूटी संभाली है और सबने ड्यूटी दी है, हर बूथ के ऊपर ड्यूटी दी। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष सुखबीर मलिक ने भरत सिंह छोकर को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हमारा प्रत्याशी क्यों और किसके दबाव में भागा ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हमने जनता की राय के आधार पर ही उन्हें चेयरमैन पद का उम्मीदवार बनाया था। पानीपत से विनोद कुमार, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।